नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रदीप साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रदीप सर में। और हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। और उम्मीद करता हूं आपको पहले वाली वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपने शेयर भी की होगी, ठीक है। और वो अगर आपने देख ली है, वो समझ ली है, तो आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो नज़र यहाँ पर जमाए रखिए, नज़र हमसे मिलाए रखिए, और नज़र से नज़र मिलेगी तो नज़रिए बदल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो पढ़ने के जरिए बदल जाएंगे, ठीक है। तो जरिया बदल लीजिए पढ़ने का, स्मार्ट स्टडी हम करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ लिए थे, उसके बाद में हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक और किस एंगल पे चेंज होता है। यानी आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे क्वाड्रेंट में, लाइन के बारे में। तो लाइन मैंने ये बताया था कि जी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, ये क्या होती है, तो जीरो डिग्री होती है। जहाँ से आप एंगल नापना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से नापना स्टार्ट करते हैं वहाँ से क्या होता है, जीरो डिग्री। और जीरो से यहाँ तक गए तो यहाँ हो गया जी 90 डिग्री। तो ये लाइन क्या हुई, ये 90 डिग्री की हुई बच्चे। उसके बाद में और आगे गए तो ये क्या हुआ भाई, 180 डिग्री हो गई। तो ये लाइन क्या है, ये 180 डिग्री की, ये तो ये 270 डिग्री, और ये भाई तो ये 360 डिग्री। तो यही लाइन होती है जीरो डिग्री, और यही होती है 360 डिग्री। तो इसके अंदर कौन से एंगल आएंगे, तो इसमें मैं क्या लिखूँगा भाई, जीरो डिग्री प्लस थीटा, और क्या लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों बातें इसी में लिखूंगा, ठीक है। इसमें मैं क्या लिखूंगा, तो इसमें लिखूंगा 90 डिग्री प्लस थीटा, और क्या लिखूंगा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, ये बातें लिखूंगा भाई इसमें। और क्या लिखूंगा भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 180 डिग्री प्लस थीटा, और क्या लिखूँगा, 270 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, और 0 डिग्री माइनस थीटा। यानी माइनस थीटा भी यहाँ पर होता है, 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 270 प्लस थीटा भी फोर्थ में होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा वो क्या आएगा, आपका 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, 0 डिग्री प्लस थीटा आएगा। सेकंड में क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा आएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा आएगा। तो हम ये देखेंगे कि चेंज कहाँ पर होते हैं रेशोज। तो ये हमारे थे क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में क्या आता है। अब कौन किस में चेंज होता है, इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत प्यारे ढंग से, बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे ढंग से। ये मैं मान लेता हूँ कि ये ए बी सी है भाई। क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, मैं इसको साफ कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं साफ, ठीक है, और इस ट्रायंगल को भी मैं इधर बना लेता हूँ, अच्छे से बनाते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बना ली, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी ए को 90 डिग्री का, और वो कौन सा है, एंगल बी है। यहाँ से अगर मैं ये एंगल कह दूँ कि ये थीटा है, ये क्या है, थीटा एंगल है, और ये कहूँ कि जी ये निकालना है आपको, तो ये 90 डिग्री है बच्चे, ये थीटा है। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है भाई। 180 डिग्री में से 90 ये है, तो ये दोनों कितने बचे, 90 डिग्री के बचे बच्चों। 90 में से थीटा ये है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, 90 डिग्री माइनस थीटा बचा भाई, यही बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है भाई, क्या निकालना है, साइन थीटा। तो आप क्या करते हो, साइन थीटा के लिए
तो साइन थीटा के लिए हम करते हैं अभी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कल जो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपको पता है कि भाई थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एंगल ये है ना, तो हाइपोटेन्यूज के साथ वाला जो जिसके बीच में एंगल बन रहा है कौन सा, थीटा, उसके साथ वाला तो बेस होता है, तो ये वाला तो बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी, यही हुआ भाई। और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, तो ए सी हुआ। इसी तरह से मैं ये कहूँ बच्चे कि आपको निकालना है कोस 90 माइनस थीटा, क्या निकालना है, कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा निकालना है, तो एंगल ये वाला है, ये वाला एंगल है, तो कोस थीटा होता क्या है, किसके बराबर होता है, तो बी अपॉन एच होता है। हमें बेस ढूंढना पड़ेगा, तो बेस ढूंढना पड़ेगा, तो एंगल के साथ वाला बेस, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा क्या, बेस। तो यहाँ पर बेस क्या है, ए बी है भाई, और क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो ए सी रहेगा, रहेगा भाई, तो ए सी रहेगा हाइपोटेन्यूज बच्चे, तो ये वाली साइड दोनों की इक्वल हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, ए बी बटे में ए सी, तो ये भी हुआ ए बी बटे में ए सी, तो क्या ये साइड इक्वल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो लिख सकता हूँ भाई, साइन थीटा बराबर होगा किसके, कोस 90 माइनस थीटा के, ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई, ठीक है बच्चे, किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होगा कोस 90 माइनस थीटा के। इसी तरह से हम अगर टेन की बात करें, तो टेन थीटा क्या होता है भाई, यहाँ से मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ तो क्या होता है, पी बाय बी होता है भाई, क्या होता है, पी बाय बी होता है, तो पी यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं थीटा की बात कर रहा हूँ तो ये वाला तो बेस होगा, पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है कि ये वाला बेस क्यों होगा, ठीक है, और वहाँ पर तो वो भी है क्या, कि नज़र से नज़र मिली तो नज़ारे बदल जाएंगे, ठीक है, और आपसे नज़र मिली तो नज़ारे बदल जाएंगे, और आपको देखा और दुनिया को भूल के हम तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर सब कुछ समझाया हुआ भाई, अच्छे से सारी चीज़ें समझा रखी है, वहाँ वो वीडियो ज़रूर देखना, ट्रिग्नोमेट्री पहली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी वीडियो है, टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि जी परपेंडिकुलर क्या होगा, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जी बेस क्या होगा, तो हमें पता है कि थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये वाला बेस हुआ भाई, तो ये वाला क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी, और बेस क्या है, बी सी है। और अगर मैं ये कहूँ जी कि कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होगा, तो कोट थीटा नहीं बच्चे, यहाँ पर हम दूसरे एंगल की बात करेंगे, कोट 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, कोट 90 माइनस थीटा की बात करें, तो थीटा एंगल कौन सा है, अब ये वाला है, और एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस होता है, और इसको लिखेंगे क्या, बेस बटे में परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, तो बेस बटे में परपेंडिकुलर हमें लिखना है, तो बेस यहाँ से क्या आएगा, तो ये थीटा है, तो इसके साथ वाला बेस, तो ए बी आएगा बच्चे, परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो बी सी आएगा, परपेंडिकुलर क्या आएगा, बी सी आएगा, तो ये बच्चे ए बी बाय में बी सी है, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ये साइड इक्वल है, तो ये भी होनी चाहिए, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, कोट 90 माइनस थीटा के, किसके बराबर हुआ, कोट 90 माइनस थीटा के। इसी तरह से मैं अगर देखना चाहूँ कि जी सेक थीटा किसके बराबर होगा, तो थीटा इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, किसके बारे में, इस वाली वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी बारे में बात कर रहे हैं, तो थीटा यानी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर किसके होता है, तो एच अपॉन बी, ये पहले वाली वीडियो में बताया था कि एच अपॉन बी होता है, तो एच यहाँ से क्या है, तो एच तो ए सी रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, ए सी रहेगा, और बी क्या आएगा, तो बी इस थीटा पर डिपेंड करता है, अभी ये थीटा के साथ वाला बी होता है, बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो थीटा कौन सा है, अब एंगल कौन सा है, ये वाला है 90 माइनस थीटा है,
और क्या लिखते हो कोसेक को, कोसेक को हम क्या लिखते हैं, तो हमने रेशियोज़ में पढ़ा था अभी क्या लिखते हैं, तो हम लिखेंगे एच अपॉन पी, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। तो एच तो आपको पता है कि ए सी ही रहेगा, क्या रहेगा, ए सी रहेगा। पी यहाँ से क्या आएगा, जब इस थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके साथ वाला तो बी होगा यानी बेस होगा, तो ये वाला क्या है, ये पी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। तो ये ए सी बाय में बी सी है बच्चे, ये भी ए सी बाय में बी सी है। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं कि सेक थीटा बराबर होगा किसके, कोसेक 90 माइनस थीटा के। यानी वैल्यूज चेंज हो रही है, रेशोज चेंज हो रहे हैं, किसमें, साइन चेंज हुआ किसमें, कोस में, यानी कोस 90 माइनस थीटा चेंज हुआ किसमें, साइन थीटा में, यानी साइन थीटा चेंज होता है किसमें, कोस में होता है। ठीक है, थीटा ना लगाओ तो भी साइन चेंज होता है किसमें, कोस में। यहाँ से हमने देखा कि टेन चेंज हो रहा है किसमें, कोट में, तो हम क्या लिखेंगे जी, टेन चेंज होता है किसमें, कोट में, और कोट चेंज होता है किसमें, टेन में। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा जी कि सेक चेंज होता है कोसेक में, तो सेक किसमें चेंज हो रहा है, कोसेक में, और इसी तरह से कोसेक चेंज होगा किसमें, सेक में। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी, और अच्छी लगी हैं तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड में हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इनके ऊपर अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन करेंगे, कहाँ पर चेंज होता है वो बताएंगे। ठीक है, तो हमने अभी क्वाड्रेंट की बात की, लाइन की बात की, और अब हमने बात की है कि कौन किसमें चेंज होता है और क्यों होता है, कौन, क्यों और कैसे, इन तीन बातों के हम जवाब ढूंढते चलेंगे, हमारे जवाब मिलते चलेंगे और चीज़ें आसान होती चलेंगी। तो आगे चलते हैं बच्चे, हमने देखा भी 90 पे चेंज हो रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जी चेंज कहाँ पर होता है, तो चेंज कहाँ पर हुआ, या तो 90 पर होगा या 270 पर होगा, हमने एक क्वाड्रेंट बनाए थे, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है 360, यही बात बोली थी। तो y एक्सिस पे रेशो चेंज होते हैं, ठीक है, और किस में चेंज होते हैं वो अभी बताया था, 90 वाला तो हमने प्रूफ कर लिया अभी कि कैसे चेंज हो रहे हैं। तो क्या होता है, 90 पे होता है, 270 पे होता है, यानी ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इस पर क्या होंगे, रेशो चेंज होंगे, कैसे होंगे, साइन चेंज होगा किसमें, कोस में, टेन चेंज होगा किसमें, कोट में, सेक चेंज होगा किसमें, कोसेक में, और इसी का उल्टा, कोट चेंज होता है टेन में, कोस चेंज होता है साइन में, और कोसेक चेंज होता है सेक में, अभी बताया था बच्चे। नो चेंज वाले कहाँ पर आएंगे, तो नो चेंज वाले कहाँ आएंगे, तो नो चेंज वाले 180 पर आएंगे बच्चे, 360 पर आएंगे, 0 डिग्री पर आएंगे, यानी आपके इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, कहाँ पर आएंगे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पर क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर वो आपको लिख करके देता है कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या करोगे, यहाँ पर ये रेशो चेंज नहीं होते, लेकिन आपको चीज़ें क्या करनी है, आपको चीज़ें देखनी है, कल क्यों प्लस होता है, कहाँ प्लस होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें बताई थी। आज हम देखेंगे कि जी कोस 180 प्लस थीटा, तो 180 की लाइन ये है और प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, तीसरे क्वाड्रेंट में, तो कोस का तो कोस ही रहेगा, क्या रहेगा, कोस का तो कोस ही रहेगा और आगे आ जाएगा थीटा, कोस थीटा आ गया, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, तो थर्ड है, क्वाड्रेंट हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिए थे, क्वाड्रेंट अगर थर्ड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चे। तो इस तरह से ये चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। अगर आप ये लिखते हो कि साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 पर तो चेंज होता है, अभी हमने लिखा है कि जी चेंज होता है 90 पर, तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो यहाँ क्या आएगा, कोस थीटा,
और अब हम क्या देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, जो चीज़ हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग ही बताएंगे ना, ये तो बाद में आया, तो यह बताएगा ना कि कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ तो क्वाड्रेंट का कोई इशू ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि जो थीटा लिखा है तो वो 90 प्लस थीटा लिखा हुआ था, तो ये थीटा तो 90 से छोटा ही रहेगा ना, और ये थीटा 90 से छोटा रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बन रहा है। तो क्वाड्रेंट जो बनेंगे बच्चे वो यहाँ से बनेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज़ें देता है ना, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि जी इसमें पॉजिटिव लगाएं कि नेगेटिव लगाएं। सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस नेगेटिव होता है, कोस को क्यों देखेंगे हम, क्वाड्रेंट तो ये बताएगा ना कि कौन सा है। तो 90 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा होता है, मैंने यहाँ लिखा था 90 प्लस थीटा, तो सेकंड होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है भाई, कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी आपकी, ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उम्मीद करता हूँ बच्चे चीज़ें समझ में आई है, अभी ये साफ करता हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के बहुत डाउट रहते हैं भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट के बहुत डाउट रहते हैं, कैसे, अगर वो ये लिखता है जी कि कोस 0° माइनस थीटा, तो ये क्या हूं? कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से क्या आया भाई, कोस माइनस थीटा सीधा लिख रहा है, इसका मतलब भी क्या है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जीरो पे चेंज तो होता ही नहीं है, चेंज तो होता ही नहीं है, तो कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, ये बात हमने पढ़ी थी, तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा के बराबर आ जाएगा, कोस माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा के बराबर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोस कल हमने प्रूफ किया था, पहले वाली वीडियो में हमने प्रूफ कर लिया। अगर वो ये लिखता जी कि साइन 0° माइनस थीटा, तो हमें पता है कि जी साइन 0 पे तो चेंज होता है नहीं, साइन तो साइन ही रहता है, क्या रहता है, साइन तो साइन ही रहता है, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, तो फोर्थ है, क्वाड्रेंट कौन सा है, तो फोर्थ है, और यहाँ पर साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगर वो लिखता जी कि सेक 0° माइनस थीटा, तो ये क्या है, सेक माइनस थीटा है, तो सेक क्या होगा यहाँ पर, तो सेक चेंज तो होगा ही नहीं भाई, सेक तो सेक ही रहेगा, और थीटा भी आगे आगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव देखना है तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेंट चेक करोगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी क्या रहेगा, कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे बच्चे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आप अच्छे से देख लेना, इस तरह से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं अभी। साइन 270 प्लस थीटा, क्या साइन 270 प्लस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा 1090 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, साइन 90 प्लस थीटा डिवाइड बाय है साइन 90 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, और इसको किस तरह से सोल्व करेंगे बच्चों, देखो साइन इसने लिखा कि जी 270 प्लस थीटा है, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप लिख लो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 प्लस थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ भाई, कोस 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट हुआ भाई, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड, 90 प्लस थीटा है तो भी सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से भी 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, यहाँ से 180 प्लस थीटा है तो कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, यहाँ से 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। अब आपको ये देखना है कि साइन कौन से आएंगे, तो जी साइन दिख रहा है यहाँ पर कि साइन थीटा है, साइन थीटा है तो साइन तो इनके अकॉर्डिंग ही आने हैं ना बच्चे, चेंज करके साइन नहीं लेके आने, आपको साइन तो यही बता रहे हैं, जब ये
क्वाड्रेंट ये बता रहे हैं तो साइन भी यही बताएंगे कि जी साइन थीटा है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है भाई, और ये क्या है कोस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये भी नेगेटिव होता है। टेन थीटा है जी और कौन से में है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में ये भी नेगेटिव होता है भाई, टेन तो नेगेटिव होता है सेकंड में, यहाँ पर साइन है जी और वो क्या है सेकंड में है, तो ये तो पॉजिटिव होता है। कोस है जी लेकिन थर्ड में है, तो थर्ड में कोस क्या होता है तो नेगेटिव होता है। कोट है जी लेकिन किस में है सेकंड में है, तो क्या होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ से कौन कौन से नेगेटिव भी ख़त्म हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव की गुना हुई ख़त्म हुआ, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव तीन बार है, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, आएगी ना, ये तो कन्फर्म हो गया हमारा कि नेगेटिव आएगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देख लें, हमने अलग कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव को, अब हमें देखना है कि जी ये क्या आएगा। तो साइन 270 प्लस थीटा, तो ये ओड मल्टीपल है भी किसका 90 का, 90 गुणा 3 होता है, तो ओड मल्टीपल है तो चेंज होगा किस में कोस थीटा में। कोस 180 माइनस थीटा है, क्या है कोस 180 माइनस थीटा है, तो क्या होगा चेंज नहीं होगा अभी, क्या रहेगा कोस थीटा ही रहेगा, 180 क्या है इवन मल्टीपल है 90 का। टेन 90 प्लस थीटा है तो चेंज होगा किस में कोट में चेंज होता है, तो कोट थीटा हो जाएगा बटे में। साइन 90 प्लस थीटा तो चेंज होता है किस में होता है कोस थीटा में हो जाएगा। कोस 180 प्लस थीटा तो चेंज नहीं होता है 180 पे, क्यों, क्योंकि इवन मल्टीपल है 180 किसका 90 का, तो कोस थीटा ही रहेगा भाई, ठीक है। कोट 180 माइनस थीटा है तो ये भी तो चेंज नहीं होगा 180 पे, तो क्या रहेगा कोट थीटा ही रहेगा, और प्लस माइनस का तो कोई इशू ही नहीं था हमने लगा दिया पहले, तो कोस से कोस कटा बच्चे, यहाँ भी कोस से कोस और ये कोट से कोट, तो क्या आ गया आंसर माइनस वन, और यही क्या है आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, और आज हमने ये जो चीज़ें सीखी है कि रेशो कैसे चेंज होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते भी हैं, धीरे धीरे हम आगे टेबल पढ़ेंगे और टेबल के बाद में भी इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बच्चे भूलना मत उसको, पीछे वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ें आगे हम यूज करते जाएंगे और उनका यूज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेंट का यूज हुआ, उससे पहले रेशोज का यूज हुआ कि पी बाय बी क्या होता है टेन होता है, और पी बाय एच क्या होता है तो साइन होता है, बी बाय एच क्या होता है तो कोस होता है, तो वो चीज़ें हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ी है, तो पहले वाली वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, और ये चीज़ें धीरे धीरे हम आगे करते रहेंगे, बहुत आराम से ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।